मेरा एकदम गायब हो जाना है शो से, मैं कौन था, एकदम कहाँ चला गया। वो थोड़ी देर बाद वकार ज़का अनाउंस करता है कि टीम में एक बंदा मेरा अपना है, तो दरअसल वो बंदा कौन है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बाबा आतिफ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर पे। और जो लोग मेरे बारे में सोशल मीडिया पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि भाई ये बंदा वकार ज़का का अपना बंदा था जो कि शो से एकदम गायब हो गया, कल आप लोगों ने टीवी पर देखा कि 16 बंदे थे, एकदम एक बंदा गायब हो जाता है, 15 बंदे बचते हैं, जिसकी वजह से दानिया को एक लड़के को बीट करना पड़ता है। ये सब कुछ सीन तो टीवी पर ऑन एयर हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं, लेकिन मेरा एकदम गायब हो जाना है शो से, मैं कौन था, एकदम कहाँ चला गया। वो थोड़ी देर बाद वकार ज़का अनाउंस करता है कि टीम में एक बंदा मेरा अपना है, तो दरअसल वो बंदा कौन है? लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई मैं क्लियर कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पर ही हूँ। और मैं अगर होता वकार की टीम का बंदा या कोई ऐसा, तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है शो में होता, एकदम गायब ना होता। मुझे किसी वजह से शो छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मेरे घर की एक वजह थी कि मुझे घर शिफ्ट करना था, और ये इत्तफाकी तौर पर एकदम हुआ, तो इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और इत्तफाक से मैंने एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया था, तो मैं फ़ौरन कल्टी मार गया वहाँ से और शो को छोड़ दिया मैंने, जिसकी वजह से 16 की जगह 15 कंटेस्टेंट रह गए। और अपना जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, वो लोग क्लियर कर दें अपने माइंड को, टेंशन फ्री हो जाएँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। हाँ, अगर मुझे एक मौका दोबारा मिलता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए बोल हाउस पे दोबारा जाने का, तो डेफिनेटली मैं तमाम लोगों की वाट लगाने वाला हूँ, बेफिक्र हो जाएंगे, बड़ी तफरी आएगी अगर मैं हुआ शो में दोबारा। अब देखते हैं कि बोल हाउस में भी एंट्री होती है या नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे होना चाहिए, तो वोट करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और इसके अलावा मेरा शो से जो ताल्लुक था, वो तो आपने देखा कि एकदम गायब हो चुका। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू।